नज़ीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद क्रसेंट बीच पे पीसीए की 56 एनुअल पिकनिक को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। वो देखिए नज़रीन, यहाँ पे ये टिकटेड इवेंट है, खाना यहाँ पे और सब सिर्फ $5 का, $5 का और ये वेरी गुड क्वालिटी चिकन दिखता है, या पीपल और सैंडविच और सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, वेरी गुड। और दिल अपना पाकिस्तान के लिए स्पेशल सैंडविच बनेगा, बिल्कुल। ये दिल अपना पाकिस्तान स्पेशल प्रोग्राम है और स्पेशल लोगों के लिए है, स्पेशल बंदा बनाने वाला। और नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान ने भी पेड ये जो पिकनिक को एंजॉय किया, बिल्कुल। इन्होंने दो प्लेटें ली, तीन प्लेटें ली है, माशाल्लाह। थैंक यू। नंदू भाई केक लें भाई, आप भी। ये इस पार्टी के रूह है ना वहाँ, आफ्टर ऑल दिस इयर्स, आफ्टर ऑल दिस इयर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ हैं इंतखाब अहमद, नाज़रीन आपके साथ। और जनाब, बहुत अच्छा वेदर है आजकल कनाडा में, आपको पता है कि समर्स जो हैं वो बच्चियों की छुट्टियां होती हैं, समर्स में लोग घूमने फिरने जाते हैं, समर्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। और आपको पता है इंतखाब साहब के यहाँ वैनकूवर में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अदबी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और कल जो है हॉलैंड पार्क में इतना ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ है, शाम से और रात गए तक। आपको पता है कि किंग जॉर्ज स्टेशन पे इतना रश था और रात के 12:30 बजे तक जो है वो लोग आ रहे थे, और बाकायदा रोड किंग जॉर्ज हाईवे है उसको ब्लॉक किया गया था, को ब्लॉक करके लोगों को एक आसानी दी गई थी कि आराम से रोड क्रॉस कर लें और चले जाएं, और बहुत रौनक मिला था, बहुत मज़ा, बहुत रौनक मिला था। नाज़रीन, ये मैं आपको बताते चलूँ, ये जो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होते हैं और बड़े कनाडा भर के बैंड आए हुए थे, वैनकूवर का एक उभरता हुआ बैंड मनीला ग्रे, आप हैरान होंगे ये मनीला ग्रे क्यों नाम रखा गया है, एक पाकिस्तानी म्यूजिशियन, उन्होंने उनका नाम है अजील नॉर्थ ने ये ग्रुप तरतीब दिया है। दो लड़के हैं जो कि वो फिलीपींस से हैं, और ग्रे वेदर जो अभी भी आप देख रहे हैं, वैनकूवर का ग्रे वेदर जो है वो बहुत ही एक फैंटास्टिक वेदर है, तो उन्होंने इसी नाम से रिलेट करके मनीला ग्रे नाम रखा है। हम उसको आपको उस शो की थोड़ी सी झलकियां दिखाएंगे, या उनका कोई कॉन्सर्ट की, और मेरा ख्याल में इतने बड़ी नहीं है झलकियां, लेकिन हम ये करेंगे कोशिश के छोटा सा शॉर्ट क्लिप। और आपको पता है कि आज जो है वो इंग्लिश वे पे बहुत कॉन्सर्ट हो रहा है जी, बिल्कुल। और जहाँ ये इतने सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहीं पर जो है अदबी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं जी, अदबी भी हो रहे हैं और आउटडोर पिकनिक्स भी हो रहे हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको पिकनिक का हवाला दिखाते हैं, देखते रहिए वैनकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद क्रसेंट बीच पे पीसीए की 56 एनुअल पिकनिक को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, देखते रहिए वैनकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। पिकनिक इन पाकिस्तान कनाडा डे सेलिब्रेशन बाय पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन एवरीबॉडी नोज इज द ओल्डेस्ट एसोसिएशन एंड the first association that made the first masjid in BC, and we always look at the support of our politicians. We have got Mr. Jagmohan Rao who is here, we have got Mr. Dr. Tariq, our council general, who is here, we have got our own wonderful
our mayor, Mr. Dhaman Kalam, who's here. And we have got our near and dear, Mr. Harpreet Singh, who runs the Harpreet Singh Show. He's here too, but I would like to especially acknowledge our friend of the community, Mr. Randeep Sarai. Mr. Randeep Sarai, who has been very close to us, and he has been our confidant since he has come to run the politics, and I know I've been very close to working with him, and would love to say thank you, because he has been very instrumental in helping and supporting PCA, and first time ever in last, I would say, 63 years, PCA was able to get some funding for a website, and I know I've been bugging Maria every single day, and that was under the, leadership of Mr. Harpreet Singh, and he's a very close friend of us. So thank you for being here, everyone. So we are going to do the cake cutting ceremony now. Yeah, another thing, Mr. Worship, there is a Kalam cake cut, right? Yeah, cake cutting ceremony happening. Happy Canada Day! Happy Canada Day! We are one. Or one tour ki jaan. Dil apna Pakistan! Very good, thank you. Thank you for being part of Dil Apna Pakistan. Dil Apna Pakistan. Thank you. Thank you very much. Great. Brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Outstanding, and I'm really pleased to be here. And you have another message for the community with what they are looking in future about besides having picnics. What's the future plan for the city now? Well, there's a whole number of plans. We will be getting our own police force very, very shortly, probably within the next couple of months. We're building SkyTrain along Fraser Highway, and then the second phase will be along King George to Newton. We're encouraging and welcoming people to come and live in Surrey from all over the world with open arms. And we're really encouraging people to get out and enjoy the outside, the nature, just like the Pakistan community is doing here today. Very good, very good. Thank you very much for acknowledging Pakistan community. We have a president of Pakistan Canada Association. You want to say something? Yeah, I would love to say that. Thank you, Doug, for being here. He is a big supporter, and we are very glad that we have a person like Doug McCullum who is going to run our city. Very good. So we need all of your support, as always, and there are better and bigger things that Doug has planned for our city, so we cannot wait to see all of them come to fruition. Thank you, Doug, for being here. Thank you. Enjoy living and working and having picnics in Surrey. So thank you very much. Thank you very much, Your Worship. And yes, absolutely, we are very glad that we are part of Surrey. And it's a wonderful city. After that, I'm going to bring my own dear friend, Mr. Sarai, and I'll pass on the mic to him. Mr. Sarai. Thank you, Mr. Khan. I want to wish everyone a happy Canada Day, especially PCA, who's been celebrating this year after year. They're the pioneer association for Pakistan Canadians, always commemorating, always contributing back, always being there whenever the community has needed anything, whether it was when the Syrian refugee crisis happened in Canada Welcome, PCA was in the forefront. And in general, whatever the city ever needs. And I just want to say, as always, I'm a member of Parliament, and whenever we can be of assistance, our office is on King George and 103, and thousands of members of your community, our community, live in that riding, and we're always available for them. So I'm pleased to be here year after year. This is one of the fun events that you host, where all the kids have a lot of fun, not just the adults. So kids have a lot of fun, and it's good weather. It's not too hot. Wish everyone a great evening and a great day to have a picnic. So thank you.
it's always a pleasure to be here. We should basically all participate and contribute in our own capacity, whatever way we can. Nazreen Dil apna Pakistan ke saath Intikhab Ahmed aaj yahan pe PCA ke picnic mein. Councillor Patton is here. This is the second time I'm meeting her after the election win. She has won the election for city of Surrey and for the citizens of Surrey as well. So Patton, you want to say something, give a message for our community? Sure. Well, I first wanted to say thank you for having me today. It's such a lovely afternoon. And the message that I want to say is we're really excited in Surrey. Everything is moving forward. Our original pillars of the SkyTrain, our own local police so we feel safer, and having smart development so that there's places for us to play and have fun together so we can work, live and play in Surrey. And we're on track for that, and we're so happy to be part of a wonderful community, a global community here in Surrey, where we can all play together. That's right, and we are, Nazreen, I want to say that Surrey is the most luckiest city in the world, that where we have ocean and and the ports and the rivers, and you know what not. So I totally agree with you. Yeah. I was saying to myself, who knew 20 years ago when I moved here that I would be in the most exciting place in the country? That's right now. Right now. And I am so happy. And I'm the senior citizen of Surrey, living here for 29 years. You can't be senior. Yeah. Too young looking. I'm not. Thank you very much, Patton, for being with us on our TV called Dil Apna Pakistan. Thank you. My pleasure. Thank you for having me. See you later. See you. Message Salaam Alaikum to everyone. I'm very pleased to be here today to join the Pakistani community, a member of the Pakistani community, for the annual picnic day organized by the PCA. And I'm very, very pleased to be very here excited. Today. And I wish everyone a very happy, joyful, successful and safe picnic. Very good. Thank you very much. Thanks. Service. Yes. And you cashier. और ये $5 ये देखें $5 फूड की प्राइस है विच इज वेरी रीजनेबल. हाँ जी, ये शौक से केक खा रहे हैं बच्चे, बड़े शौक से आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं. वेरी गुड. वो कभी बच्चे पाकिस्तान के जो है वो कहते हैं इससे काट के दो. ओ झंडा काट. ओ दैट्स वेरी गुड. दैट्स गुड. दैट्स वेरी गुड. दैट्स अ लव ऑफ पाकिस्तान. लव ऑफ पाकिस्तान. दैट्स वेरी. नाज़रीन, ये विमेंस की अब म्यूजिकल चेयर होने वाली है, अब देखें क्या होता है. जजेस रेडी? लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, लाउड. बच्चे पीछे हट जाएं, बच्चे पीछे. ये नाज़रीन, इस म्यूजिकल चेयर में $100 है, विनर को $100 मिलेंगे. देखो आप बाहर से आएंगे जब गेम शुरू होगी तो क्या? Are you guys of this kind of thing? यो यो बच्चे गेम देखेंगे उनके लिए प्राइस है. बच्चों को बुला लो पीछे रहो जरा पीछे. ब्रंच गपशप की खास बात यह है कि इंतखाब अहमद साहब और नगमा जो है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का वहाँ पर केक काटा गया, तो नाज़रीन को और आपको मुबारकबाद भी देते हैं. शुक्रिया बहुत. तो देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान. ब्रंच गपशप है जो कि कमाल भाई करते हैं, और कमाल भाई भी कमाल ही कर देते हैं इसमें. इतनी अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज करते हैं. कमाल भाई, आप का दिल चाहेगा कि हम अगली ब्रंच गपशप में आएं और यहाँ पे आप मिलें. After all these years, how can I not do this all over again? After all these years, after all these years, and after all these years, to come and stand before the Lord, my children and friends, to come and stand before the Lord, my children and friends. To come and stand, and through the trials and fears,
the smiles and tears. The Lord has seen us through after all these years. After all these years. So after all these years, how could I not say I still do? I still do. I still do. After all these years. My love has grown stronger than we first became. My love has grown stronger than first we began. After all these years. After all these years. I'm glad to see that love has brought us to where we now stand. I'm glad to see that. I'm glad to see that after all these years. And through our life and love, the Lord above has surely seen us through after all these years. After all these years. After all these years. So after all these years, how could I say no? I still do. I still do. I still love you. I still love you. I still love you. After all these years. Thank you. After all these years. एक ही दिल है मेरा और मांगने वाले हजार खुद के संभलते नहीं दिल और संभालने वाले खुद के संभलते नहीं दिल और संभालने वाले हजार दिल है ये पत्थर नहीं तुम तोड़ ना देना कहीं दिल है ये पत्थर नहीं तुम तोड़ ना देना कहीं जोड़ने वाले हैं कम और तोड़ने वाले जोड़ने वाले हैं कम और तोड़ने वाले हजार वाले हजार क्या बात है क्या बात है तो एक जो करंट इवेंट हुआ है वो हुआ है मशाल जी बिल्कुल मुशायरा और आपने अपनी शायरी का वहाँ पे जबरदस्त रंग जमाया हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा था और कि मैं लोगों को पसंद आ रही है तो मैं पढ़ता चला गया तो उसके उसके कुछ हिस्से सुनाऊंगा दिखाऊंगा आपको हाँ। और आपकी शायरी में बड़ा दर्द है हाँ सही कह रही है मुझे ये बात किसी ने कही और वो जो आप गिलगित से गवादर तक धरती हमारी है फिर मैंने और फिर मैंने गाया आज ना फिर मैंने गाया तो लग रहा है कि वो पॉपुलर होता जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने क्लैपिंग की है गिलगित से गवादर तो तक वो मशायरा देखें और आप अपनी पोएट्री भी हमें उसमें दिखाएं हाँ बिल्कुल दिखाते हैं तो नाज़रीन यही है वैंकूवर की सरगर्मियाँ इस हफ्ते की और इसी तरह देखते रहिए आप वैंकूवर के जान दिल अपना पाकिस्तान
अच्छा मेरे साथ नाज़रीन कमर वहीद हैं, कमर वहीद भी एक शायरा हैं और बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं, हम इनका कलाम भी देखेंगे। आपको कैसा लगा कमर यहाँ पे इस मशायरे में आना, और आप हर दफ़ा आती हैं टाइम निकाल कर? मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायरी मुझे बचपन से ही अच्छी लगती थी, लेकिन बस ये कि मौका इतना नहीं मिला। यहाँ पे कनाडा उर्दू एसोसिएशन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी शायरी जो है वो सुना सकूं, तो ये बहुत अच्छा मुशायरा होता है। और हम जैसे शायर जो ज़्यादा इतना टाइम नहीं मिलता, जो छोटे छोटे शायर होते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात होती है यहाँ पे हम अपनी शायरी सुनाते हैं। बिल्कुल, और नाज़रीन आइए हम इस प्रोग्राम की झलकी यहाँ देखते हैं। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। दीवाने सभी थे उसकी दराज जुल्फों के, दीवाने सभी थे उसकी दराज जुल्फों के, तो सिर्फ हम ही क्यों पाबंद सलासल ठहरे। इतना मुश्किल न था निगाह से दिल तक जाना, इतना मुश्किल न था निगाह से दिल तक जाना, फैसले ही न हमारे कभी अटल ठहरे। ये शेर मेरा बहुत ही फेवरेट है। मोहब्बतों में अदब तुम न सिखाओ हमको, मोहब्बतों में अदब तुम न सिखाओ हमको, तुम जहां आज हो हम थे वहीं पिकल ठहरे। दिलों में झांक लिया जिसने वो दीवाने हुए, दिलों में झांक लिया जिसने वो दीवाने हुए, जहन से जिसने सोचा साहिबे अकल ठहरे। आखिरी शेर है। यू कब तलक अधूरी जिंदगी गुजारेंगे, यूं कब तलक अधूरी जिंदगी गुजारेंगे, कभी यूं भी हो कि जब हम भी मुकम्मल ठहरे। बहुत शुक्रिया। सनी मियां क्योंकि वो तशरीफ लाए जरा सीरियस टाइप है पढ़ना, आप लोगों को पता है मजाहिया शायरी भी होती है, इस दफा नहीं है। वक्त चलता है वही रफ्तार लिए, वक्त चलता है वही रफ्तार लिए, ना रुके तेरे लिए ना मेरे लिए, ना हुआ कभी तेज ना हुआ धीमा, पुरसुकू नदी के बहाव जैसा, कभी कटता नहीं इंतजार में, कभी चुटकी बजाई निकल गया, कहता है कदर करो मेरी मैं लौट के फिर नहीं आऊंगा, जो आज है तुम्हारे पास कल उनको मैं ले जाऊंगा, गुजरेगा जो यूं खबर नहीं थी, कहां गया ये वक्त फिक्र नहीं थी, बीते लम्हों का माप चाहिए मुझे अपना आप चाहिए। अब मैं दावत देता हूँ हमारे मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज कादरी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम से हमें नवाजें। जनाब अब्दुल हफीज कादरी साहब। दिल ने हलचल मचा गया है कौन, दिल ने हलचल मचा गया है कौन, कैसा नगमा सुना गया है कौन, दिल में हलचल कैसी अनजान राह मुझको मिली, कैसी अनजान राह मुझको मिली, अजनबी कौन था ना जाने कौन, दिल में हलचल मचा गया है कौन, जिंदगी की इस धूप छाओं में, जिंदगी की इस धूप छाओं में, कौन आया रिझा गया
को एक तड़प से उठी है दिल में क्यों एक तड़प से उठी है दिल में क्यों याद उसकी दिला गया है कौन याद उसकी दिला गया है कौन दिल ने हलचल मचा गया है कौन क्यों ख्यालात आते जाते हफीज क्यों ख्यालात आते जाते हफीज दर्द दे के समा गया है कौन दर्द दे के समा गया है कौन दिल में हलचल मचा गया शुक्रिया बहुत बहुत बांधा जो उसने जुल्फ से लटका दिया मुझे बांधा जो उसने जुल्फ से लटका दिया मुझे बाहों का फंदा डालकर मरवा दिया मुझे वसल की रात मोहब्बत की सहर होने तक वसल की रात मोहब्बत की सहर होने तक मिल के बैठेंगे साथ की पहर होने तक अपनी इस जीत के लम्हों को गनीमत जानो अपनी इस जीत के लम्हों को गनीमत जानो मिल न पाएंगे फिर रखते सफर होने तक मैं ते तेरे कुर्ब दी ख्वाहिश कीती सी किस्मत दे विच लंबी किने जुदाई ते तीसा नयर यादा वालियां वदियां ने प्यार दी मरहम जख्म दे कीने लाई है